प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसन अल बोलकिया ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। भारत और ब्रुनेई के बीच सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं आपके और पूरे शाही परिवार के प्रति आपके भावपूर्ण शब्दों, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार भी व्यक्त करता हूँ। मैं 140 करोड़ भारतीयों की ओर से स्वतंत्रता की 40वीं वर्षगांठ पर आपको और ब्रुनेई के लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। हमारे बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं। हमारी मित्रता का आधार हमारी महान सांस्कृतिक परंपरा है। आपके नेतृत्व में हमारे संबंध दिन प्रतिदिन मजबूत होते जा रहे हैं। आपके भावपूर्ण शब्द, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं आपको और पूरे शाही परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं आपको और ब्रुनेई के लोगों को आजादी की 40वीं वर्षगांठ पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। योर मैजेस्टी, हमारे सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध है। हमारी मित्रता का आधार हमारी यह महान सांस्कृतिक परंपरा है। आपके नेतृत्व में हमारे संबंध दिनों दिन प्रगाढ़ होते रहे हैं। 2018 में हमारे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आपकी भारत यात्रा की स्मृतियां आज भी भारत के लोग बहुत गौरव के साथ याद करते हैं। योर मैजेस्टी, मुझे अत्यंत खुशी है कि मुझे अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ब्रुनेई की यात्रा करने का और आपसे भविष्य के विषय में चर्चा करने का सौभाग्य मिला है। यह भी सुखद संयोग है कि इस वर्ष हम द्विपक्षीय साझेदारी की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में ब्रुनेई का महत्वपूर्ण साझेदार होना यह हमारे लिए उज्जवल भविष्य की गारंटी है।